दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला हो बे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है, आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। आपने लोगों की मेहनत की कमाई से, लोगों की जिंदगियों से खेला। आपने चाय बागानों को ताला लगा दिया, राज्य को कर्ज के में डुबो दिया। आपने युवाओं से उनके हक की नौकरी, उनका वेतन तक छीन लिया। यहां भर्ती परीक्षाओं में किस तरह का खेल होता है? छोटी छोटी लिस्ट रिलीज होती है, लिस्ट रिलीज करने से पहले किसी के घर में फाइल जाती है, किसी के घर में मंजूरी ली जाती है। कौन से खास लोगों का चयन होता है ये क्या आपसे छिपा हुआ है क्या? सारा बंगाल जानता है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दीदी, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला से खेला खत्म, विकास शुरू। मेरा आपसे आग्रह है, मेरा बंगाल के हर मतदाता से आग्रह है, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है, भय पोबेन्ना, निर्भय बीजेपी के वोट करून, कुशासनेर विरुद्ध वोट करून, बांग्ला के भय मुक्त करून, बांग्ला उन्नति चाय, उन्नति जानो, वोट करो। बांग्लार जय, भारतेर जय।